प्रश्न 25, अवकलज का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है लॉग 10.2 टू द बेस 10 जबकि लॉग ई बेस 10 बराबर है 0.4343। अब लॉग का हम नियम जानते हैं कि लॉग एम टू द बेस ए बराबर होता है लॉग एम अपॉन लॉग ए। एक नियम हम ये जानते हैं, जबकि आधार कोई भी हो हम आधार 10 भी ले सकते हैं, आधार ई भी ले सकते हैं। दूसरा हम जानते हैं कि लॉग ए बेस ए 1 के बराबर होता है, अर्थात जिस संख्या का हम लॉग ले रहे हैं यदि वही आधार है तो उसका मान 1 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि लॉग 10 बेस 10 का मान 1 के बराबर होता है। अब हम इन सूत्रों के प्रयोग से, लॉग के इन सूत्रों के प्रयोग से इसका मान ज्ञात करेंगे, लॉग 10.2 टू द बेस 10। अब देखो ये हमें, यदि हम इसको व्यापक रूप में लिखें तो ये लॉग x बेस 10 का रूप है, तो माना y बराबर है लॉग x बेस 10। हमने इसको व्यापक रूप में लिख लिया, मान लिया कि ये x हो तो y बराबर हो गया log x बेस 10। अर्थात हम इसको कैसा लिख सकते हैं इस सूत्र से, log x अपॉन log 10। अब यदि मैं आधार कोई भी ले सकता हूं, मैंने ले लिया आधार e, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, अर्थात ये मान कितना हो गया log x बेस e इंटू, अब हम जानते हैं कि log m बेस a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log a बेस m, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये मान कितना हो जाएगा log 10 बेस e, इसको यदि हम अंश में ले जाएं तो ये हो जाएगा log e बेस 10, ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से हम y को लिख सकते हैं। हम dy by dx निकालते हैं तो dy by dx बराबर क्या हो गया, dy by dx हो गया, ये तो एक कांस्टेंट हो गया log e बेस 10, इसको तो ऐसा कैसा ही लिख लिया log e बेस 10 इंटू log x बेस e का होता है 1 अपॉन x, तो ये मान हो गया इंटू 1 अपॉन x, ये हमारा dy by dx का मान होगा। अब हमें x का ऐसा मान लेना है जिसका कि हमें log ज्ञात हो, तो स्पष्ट है कि यदि मैं x बराबर 10 ले लूं तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, अर्थात यहां मैं ले लेता हूं x बराबर 10 तो त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा x 0.2, डेल्टा x 0.2 हो जाएगी, अर्थात x प्लस डेल्टा x मुझे 10.2 मिल जाता है। मैंने x एक ऐसा मान लिया जिसका कि log मुझे ज्ञात है, log 10 बेस 10 1 होता है, तो मैंने x को 10 ले लिया, 10.2 का मुझे ज्ञात करना है, तो इसलिए जो x में त्रुटि है वो कितनी है 0.2, ताकि x प्लस डेल्टा x मुझे 10.2 मिल जाता है। अब देखो x बराबर 10 लिया तो यहां मैं 10 लिख सकता हूं, ये है 0.4343, तो ये कितना हो जाएगा 0.4343 इंटू 1/10, मान कितना हो गया 0.04343, ये हमने dy by dx का प्राप्त किया मान। अब हमारा सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, y में त्रुटि डेल्टा y बराबर होती है dy by dx इंटू डेल्टा x, जहां डेल्टा x क्या है x में त्रुटि है, y डेल्टा y क्या है y में त्रुटि है, dy by dx का मान रख दिया 0.4343 इंटू डेल्टा x जो कि है 0.2, मान कितना हो जाएगा, ये मान हो गया 0.008686, ये हमारा डेल्टा वाई का मान आ गया, वाई में त्रुटि हमने प्राप्त कर ली। अब जब
एक्स में इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स होता है तो वाई में इंक्रीमेंट डेल्टा वाई होता है, अर्थात लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। जब एक्स में त्रुटि डेल्टा एक्स है तो वाई में त्रुटि डेल्टा वाई हो जाती है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स है 10.2, तो ये हो गया लॉग 10.2 टू द बेस 10, जिसका कि हमें मान ज्ञात करना है। वाई हमारा क्या है, लॉग एक्स बेस 10। लॉग एक्स कितना है हमारा, एक्स है 10, तो 10 बेस 10 हो गया 1। 1 प्लस डेल्टा वाई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इस मान को लिखते हैं 0.008686। कैलकुलेट किया तो 1.008686, ये हमें लॉग 10.2 टू द बेस 10 का अभिष्ट मान मिलता है।